अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जनाब अबू भाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 3, विषय हिंदी, विषयांग है वर्णमाला व्यंजन। बच्चों, हमने अभिनव हिंदी प्रवेशिका में अगले तास में वर्णमाला व्यंजन जिसमें घ वर्ण सीखा था, आज हम च वर्ण सीखेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। अभिनव हिंदी प्रवेश भाग 1। पढ़ो और लिखो, वांचो अने लखो। कौन सा वर्ण है? च। क्या है? च है। तो च से क्या होता है? चरखा। च से होता है चरखा। बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया है, देखो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो कि यहाँ पर चरखे का चित्र दिया हुआ है। च से चरखा, क्या होता है? च से चरखा। यहाँ पर गुजराती में च इस तरह से लिखा जाता है, हिंदी में हम इस तरह लिखेंगे और गुजराती में इस तरह से लिखेंगे। क्या है? च से चरखा। किस तरह आएगा? इस तरह से हम इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? चरखा। क्या लिखा हुआ है? चरखा। और हमें यहाँ पर च लिखना है और आगे के जो शब्द है वो लिखे हुए हैं। च से क्या होता है? चरखा होता है और गुजराती में उसे रेडियो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेडियो। आगे देखेंगे, च ढूंढ कर उस पर गोल बनाओ, च सूझी ने तेना ऊपर गोल बनाओ। तो हमें क्या करना है बच्चों? आगे हमने किया था इसी तरह, जो वर्ण यहाँ पर दिया है उसे ढूंढ कर हमें गोल बनाना है। यहाँ पर क्या दिया है? च दिया है, तो हमें यहाँ नीचे क्या ढूंढना है? च वर्ण ढूंढना है। ये सारे वर्ण दिए हैं, जैसे कि पहला वर्ण क्या है? च है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गोल, राउंड, मतलब गोल बना देंगे। ग ट यहाँ पर नहीं करना है, च यहाँ पर हमें गोल बनाना है। न त, और ये वापस आया च, तो च जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमें क्या करना है? गोल बनाना है। यहाँ पर च है और यहाँ पर च, जहाँ पर भी च से चरखा च वर्ण दिखाई दे उस जगह पर हमें गोल बनाना है। आगे देखेंगे, पढ़ो वाँचो, क्या पढ़ना है? च पढ़ना है। क्या पढ़ना है? च, गुजराती में दिया है वाँचो, तो हमें च पढ़ना है। रंग भरो, रंग पूरो, यहाँ पर हमें क्या करना है? रंग भरना है। च दिया हुआ है, हमें उसके अंदर क्या करना है? रंग भरना है। आप अपनी पसंद का रंग भर सकते हो। बिंदुओं को मिलाओ, टपकाने जोड़ो। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें बिंदुओं को मिलाकर क्या बनाना है? च बनाना है। क्या बनाना है? कौन सा वर्ण? च वर्ण बनाना है। बिंदुओं को मिलाकर हमें च वर्ण को बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाया है। आगे देखेंगे, पढ़ो और लिखो, वांचो अने लखो। च दिया है, वो हमें पढ़ना है। आगे के च जो है उसमें हमें क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। बच्चों, समझ में आया? यहाँ पर च दिया है, वो हमें क्या करना है? पढ़ना है। च से चरखा, च से चरखा, च से चरखा। हम लिखते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर च लिखना है। आगे जो दिया है उसमें क्या करना है? हमें बिंदुओं को मिलाकर च लिखना है और फिर हमें यहाँ पर क्या करना है? च लिखना है। इसी तरह हमें च लिखना है और पढ़ना भी है। च को च से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो, च ने चौथी शुरू थता चित्र साथे जोड़ो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक गोल बनाया हुआ है और बीच में क्या लिखा है?
च लिखा है। हमें क्या करना है, हमें च से शुरू होने वाले चित्र ढूंढने हैं यहाँ पर, कि कौन से चित्र च से शुरू होते हैं। वो हमें क्या करना है, रेखा खींचनी है और उसको उसके साथ जोड़ना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। च से होता है चरखा, क्या होता है, च से चरखा होता है। तो हम ये च जो है वो ये चित्र के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इसका नाम क्या, कहाँ से शुरू होता है, च से शुरू होता है। च से चम्मच होती है, तो हमें इसे भी जोड़ना है रेखा बनाकर। यहाँ पर सैनिक है, सैनिक में च नहीं है। यहाँ पर क्या है, कबूतर है, कबूतर में च है नहीं है। तो ये च से शुरू नहीं होता है चित्र, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। चटाई, चटाई जो है कहाँ से शुरू होता है, ये शब्द च वर्ण से शुरू होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चित्र के साथ जोड़ेंगे। आगे देखेंगे चपरासी, क्या दिया है, चपरासी, चपरासी को हम च के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि च से शुरू होता है इसका नाम। खरगोश, खरगोश में च नहीं है। आगे देखेंगे च के नीचे रेखा खींचो, चौनी नीचे लिटी करो। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें क्या करना है, च ढूंढना है और इसके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि नाच, शब्द कौन सा है, नाच, कहाँ च है, यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, उसके नीचे रेखा खींचनी है। कचहरी, च जहाँ पर आएगा वहाँ पर हमें क्या करना है, उसके नीचे रेखा खींचनी है। चमेली, चमेली में पहला वर्ण कौन सा है, च है, तो हमें यहाँ पर भी रेखा खींचनी है। समझ में आया बच्चों। चतुर, क्या है, चतुर, चतुर में च जहाँ पर है वहाँ पर हमें रेखा खींचनी है। चना और चरण, यहाँ पर भी हमें च के नीचे ही रेखा खींचनी है। आगे देखेंगे च से अलग वर्ण पर गलत करो, चौथी जुदा अक्षर ऊपर खोटू करो। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, च से जो अलग वर्ण है वहाँ पर क्या करना है, गलत की निशानी करनी है। तो ये च पर नहीं करनी, कहाँ पर करनी है, जहाँ पर अलग वर्ण आएगा उस जगह पर हमें गलत की निशानी करनी। च को हमें छोड़ देना है, ऐसे ही छोड़ना है, और दूसरे सारे वर्णों पर हमें गलत की निशानी करनी है। यहाँ पर देखो, च च च च च आपको पढ़ते जाना है। च से चरखा, च से चरखा, च से चरखा, इस तरह से पढ़ते जाना है। और जहाँ पर च आता है उसे छोड़कर जो दूसरा वर्ण है वहाँ पर हमें गलत की निशानी करनी है। आगे देखेंगे पढ़ो और लिखो, वाँचो अने लखो। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र भी दिया है और नीचे शब्द भी दिया है, चपरासी, क्या लिखा हुआ है, चपरासी, तो हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, चपरासी, चपरासी, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, च लिखना है, दोनों जगह पर हमें च लिखना है, यहाँ पर च लिखना है और यहाँ पर च लिखना है। आपको भी अपने पाठ्य पुस्तक में इसी तरह लिखना है। चम्मच का चित्र दिया है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, चम्मच है, कौन सा चित्र है, चम्मच, यहाँ पर हमें क्या करना है, पढ़ना है, चम्मच, यहाँ पर हमें च लिखना है। च से चम्मच होता है, क्या होता है, च से चम्मच, च से चम्मच, यहाँ दोनों जगह पर हमें च लिखना है। च से चटाई होती है, च से चटाई, पढ़ना है, च से चटाई, च से चटाई, यहाँ पर च लिखना है और यहाँ पर भी हमें च लिखना है। च से चरण, क्या होता है, च से चरण, च से चरण, हमें दोनों जगह पर च लिखना है। आगे देखेंगे बच्चों, शब्द में से च ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, शब्द माथी च शोधीने तेना ऊपर गोल बनाओ। सूचना दी है गुजराती में भी, हमें क्या करना है, शब्द में से च वर्ण ढूंढना है और उस पर हमें गोल बनाना है। जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, हमें यहाँ दिया है च से चटनी, तो यहाँ पर गोल बनाया है च के अंदर, च के ऊपर गोल बनाया है। आगे है बचना, क्या है, बचना, च कहाँ पर है, बीच में वर्ण दिया है च, तो हमें वहाँ पर गोल बनाना है। नाच, क्या है, नाच, हमें च के ऊपर गोल बनाना है, यहाँ पर है चमेली,
चमेली में च जहाँ पर दिखाई दे उस जगह पर हमें गोल बनाना है। बच्चों आपको समझ में आ गया, च से चरखा वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। आपको भी अपने पाठ्य पुस्तक में इसी तरह स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखना है। आगे का जो वर्ण है वो हम अगले तास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।